हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल जेनी ट्यूटोरियल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी ऑफ आघार आघार के बारे में हम जानेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका सिनोनिम क्या है बायोलॉजिकल सोर्स मॉर्फोलॉजी केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं अगर के अंदर उसके बाद केमिकल टेस्ट क्या है और यूजेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सो वीडियो स्टार्ट करते हैं सिनोनिम ऑफ अगार अगार का सिनोनिम क्या है वेजिटेबल जिलेटिन अगर अगर चाइनीज जिलेटिन ये इसका सिनोनिम है अगार का अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की बायोलॉजिकल सोर्स क्या है अगार का बायोलॉजिकल सोर्स इट इज ड्राइड जिलेटिनियस सब्सटेंस ऑप्टेन बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ रेड एलगी सो अगार एक ड्राइड जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है और ये रेड एल की जो स्पेसीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट रेड एल की जो स्पेसीज हैं उनसे ऑप्टेन होता है कौन कौन सी स्पेसीज हैं तो यहाँ पे तीन स्पेसीज बता रखी है हमने जेलीडियम अमानसी ग्रेसिलेरिया एंड टेरोक्लेरिया ये जो स्पेसीज हैं इनकी फैमिली क्या है जेलिडियम अमानसी की जो फैमिली हैं वो है जलिडियसी ग्रेसिलेरिया की फैमिली है ग्रेसी लेरिएसी एंड टेरोक्डिया की जो फैमिली है जिलेडियसी सो इन स्पसीज से आगार ऑप्टेन होता है ये सारी रेड एलगी की स्पसीज़ हैं अब बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की क्या क्या कलर है टेस्ट है ऑर्डर है और शेप है सो मॉर्फोलॉजी ऑफ आघार जिसके अंदर आघार का कलर क्या है कलर जो है आघार का वो येलोइश वाइट है या फिर ग्रे कलर है कलर येलोइश वाइट टू ग्रे ऑर्डर क्या है अगार की तो अगार जो है वो ऑर्डरलेस होता है इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती है टेस्ट इसका म्यूसिलेजिनियस होता है और शेप इसका जो है वो एक तो स्ट्रिप हो सकता है फ्लेक्स हो सकता है कोरस पाउडर की फॉर्म में भी ये हो सकता है तो ये इसके शेप हैं आयतर वो स्ट्रिप्स की फॉर्म में हो सकता है फ्लेक्स की फॉर्म में या फिर कोरस पाउडर की फॉर्म में हो सकता है सॉल्युबिलिटी मतलब अगर किसके अंदर सॉल्युबल है और किसके अंदर इनसॉल्युबल है इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, in अंदर अगर इनसॉल्युबल है उनके अंदर सॉल्युबल नहीं होता है लेकिन सॉल्युबल इन हॉट वाटर अगर हॉट वाटर है तो हॉट वाटर के अंदर अगर सॉल्युबल हो जाता है सोल्यूबल होने के बाद ये एक तरह से जिलेटिनियस सोल्यूशन बनाता है ठीक है तो ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ अगार सो नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगार के अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं अगार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं और वो पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हो सकते हैं अगार कंटेन टू डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स अगारोज एंड अगारोपेक्टिन सो so, अगार के अंदर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं जैसे कि अगारोज़ और अगारोपेक्टिन ये दोनों पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं अब इनमें जो अगारोज और अगारोपेक्टिन है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स और अदर प्रेजेंट होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं सो so, अगारोज इज़ अ नेचुरल गैलेक्टोज़ पॉलीमर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेल स्ट्रेंथ ऑफ अगार सो so, अगारोज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अगारोज एक नेचुरल गैलेक्टोज है और ये नेचुरल गैलेक्टोज पॉलीमर जो कि जेल की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो अगार की जब जेल बनाते हैं तो उस जेल की स्ट्रेंथ के लिए अगारोज रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंड ये किससे बना होता है क्या क्या कॉन्स्टिटेंट होते हैं अदर इट कंसिस्ट ऑफ डी गैलेक्टोज एंड एल गेलेक्टोज यूनिट्स तो इसके अंदर डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज की यूनिट्स होती हैं दूसरा जो पॉलीसेकेराइड था अगारोपेक्टीन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगारोपेक्टीन कंसिस्ट ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीसेकेराइड्स तो अगारोपेक्टीन जो है वो सल्फोनेटेड पॉलिसकेरइड से कंसिस्ट होता है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी ऑफ अगार सोल्यूशन तो ये जो अगारोपेक्टीन है ये जो आगार का सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हो गई एक तो अगारोज था ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था जेल की स्ट्रेंथ के लिए और अगारोपेक्टीन अगार सॉल्यूशन की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ आगार सो नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल टेस्ट फॉर आगार और ऑफ आगार आगार के लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट होते हैं सो so यहाँ पे तीन टेस्ट हैं फेलिंग सोलूशन टेस्ट मॉलिस टेस्ट एंड रुथेनियम रेड तो ये जो टेस्ट है ये आगार के लिए है केमिकल टेस्ट ऑफ आगार क्योंकि आगार जो ड्रग है, crude drug है ये इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रजेंट होता है सो अगार इज अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग तो ये है केमिकल टेस्ट ऑफ अगार नेक्स्ट पॉइंट है यूजेज आगार के क्या क्या यूजेज हैं कहाँ कहाँ ये यूज होता है सो so, फर्स्ट अगार इज़ यूज टू ट्रीट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सो अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए अगार का यूज़ होता है एज अ लेग्जटिव सस्पेंडिंग एजेंट ये लेगजटिव की तरह यूज़ होता है और सस्पेंडिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज है अगार का दूसरा जो यूज़ है एन इमल्सीफायर इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह भी इसका यूज़ है और टेबलेट एक्सीपियट सो टेबलेट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सीपियट्स यूज होते हैं उसी तरह से अगार का भी यूज़ होता है टेबलेट एक्सिपिएंट्स के अंदर डिसइंटीग्रेंट्स यूज इन न्यूट्रियट मीडिया फॉर बैक्टीरियल कल्चर जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए उसका कल्चर बनाते हैं उसका मीडिया बनाते हैं तो उस मीडिया में अगार का भी यूज़ होता है सो इट इज़ यूज इन न्यूट्रियट मीडिया फॉर बैक्टीरियल कल्चर नेक्स्ट है थिकनिंग एजेंट एडेसिव इन मेकिंग इमलशन इंक्लूडिंग फोटोग्राफिक एटसेट्रा सो ये थिकनिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है एडेसिव और इमल्शन बनाने के लिए भी इसका यूज होता है जैसे कि फोटोग्राफिक के अंदर सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अगार के बारे में आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो